ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखिए नए नए लीडर्स उभर के आ रहे हैं। हमने देखा था कि बेयरिंग वाली जो कंपनीज थी ना, वो शुक्रवार को जम के चल रही थी। एक स्टॉक जहां पर थकान के कोई संकेत नहीं है, वो है संवर्धन मदरसन का। आप देखेंगे अभी 180 रुपये के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, लगातार मोमेंटम है। अगर महीने भर की बात करें, 35-40% के आसपास के रिटर्न आपको संवर्धन मदरसन ने दे दिए हैं। शामिल यहां से क्या इसमें तेजी करनी चाहिए, या फिर जिनके पास है वो होल्ड करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, और टारगेट क्या आप सुझाएंगे? तो अभिषेक, आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन जो आपने सुझाया, विच इज जिनके पास है वो होल्ड करें और अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करते चलें, थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस लेके चलें, बिकॉज यू नो अक्रॉस टाइम फ्रेम्स अगर आप देखें तो ओवरहीटेड टेरिटरी में है। 175 के पास आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखिए, जिस तरीके का मोमेंटम है, यहाँ से आपको 190 से लेके 196 तक के लेवल जो हैं ये देखने मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो फ्रेश बाइंग है उसकी सलाह नहीं रहेगी। जैसा मैंने कहा, अक्रॉस टाइम फ्रेम्स यहाँ पे आप यू नो स्टॉक को देख रहे हैं ओवरहीटेड टेरिटरी में जाते हुए, प्लस अगर आप पिछले 4 से 5 सेशंस देखें तो वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से थिन हो रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे जो फोर्स है यू नो इस अपस्विंग का, वो शायद थोड़ा सा थमता हुआ थकता हुआ नजर आएगा। इन एनी केस अगर कोई डिप मिले तो आप बाय करें, बट जिनकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग हो वो 175 के स्टॉप